विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की आखिर क्यों है ईवीएम के मुद्दे पर दबी आवाज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार तमाम चारों प्रदेशों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और तमाम तरीके से बड़े लंबे समय से इंतजार था कि आखिर 3 दिसंबर को क्या नतीजे होंगे, जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तमाम चारों प्रदेशों के अंदर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर बड़े दमखम से चुनावी मैदान में थी, और ऐसे में कहने के नतीजे ये देखे जा रहे थे कि आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव के खासतौर पर जो नतीजे वो कांग्रेस के खेमे में जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि तीनों प्रदेशों के अंदर में जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों प्रदेशों के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है और तेलंगाना के अंदर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, और इसको लेकर लगातार लोग अनेकों प्रकार से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कहने की कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे और बातें लगातार की जा रही थी। लेकिन अब जो नतीजा है, नतीजों को लेकर तमाम तरीके से लोग अपनी बातें लिख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ऐसे में बता दें कि ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है उनके माध्यम से तमाम बयानबाजी की जा रही है कि ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं वो नतीजे खासतौर पर ईवीएम को लेकर ही आए हैं, ये भी बात तमाम लोगों का कहना है। ऐसे में आपको हम रूबरू करवाएंगे कि आखिर कौन कौन से पार्टी के वो बड़े कद्दावर नेता है कहने की जो ईवीएम को लेकर तमाम सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है और क्यों ईवीएम पर ही सवाल खड़े किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के माध्यम से बड़ी प्रतिक्रिया ईवीएम को लेकर आ रही है, जहां पर जो दिग्विजय सिंह है उनका कहना है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। साफ उनका ये कहना है कि चिप वाली जो मशीन है वो किसी प्रकार की ऐसी मशीन को हैक किया जा सकता है, जो कांग्रेस के माध्यम से जिस तरीके से जिस उम्मीदों के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर में नतीजे देखे जा रहे थे वो नतीजे नहीं मिले, और तमाम चुनावी नतीजों के बाद में बड़ा बयान दिग्विजय सिंह इनके माध्यम से किया गया है। साफ तौर पर सिरे से निकालने का काम ईवीएम को कहने के कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर खासतौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की बड़ी प्रतिक्रिया आई है, उसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री पद के मध्य प्रदेश के अंदर में जो दावेदार थे कमलनाथ, इनका भी ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी प्रतिक्रिया आई है। कमलनाथ का ये कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और कहने के उनका ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर में जो जमीन कांग्रेस लगातार बना रही थी उसके हिसाब से नतीजे नहीं देखने को मिले, और इसीलिए उन्होंने अब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा है। ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें की है कि ईवीएम को हैक किया गया है, जिसके कारण जो नतीजे हैं जो कांग्रेस के खेमे में आने चाहिए थे वो कहने के नहीं आते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं। इसका पीछे का बड़ा कारण ईवीएम को बताया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि ईवीएम पर संशय बताया जा रहा है और ईवीएम पर लेकर तमाम बड़ी बातें कही जा रही। इतना ही नहीं तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है। उनका भी ये मानना है कि ईवीएम के आधार पर पारदर्शिता नहीं देखी जाती, लगातार ईवीएम को लेकर संशय जताया जा रहा है, चुनाव आयोग पर तमाम तरीके से लोग सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि ईवीएम को लेकर कहने के चुनाव आयोग ने इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बार बार ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से संशय का विषय जारी किया जाता है लेकिन खास तौर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जल्द ही जल्द ईवीएम के अंदर में बड़ी तब्दीली लाकर कहने के बैलेट या तमाम तरीके से चुनाव होने चाहिए, ये बड़ी बात कहने कही
अखिलेश यादव इनके माध्यम से कही गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम जो विपक्ष है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इतना ही नहीं तो यहाँ तक के अरविंद केजरीवाल इनके माध्यम से भी ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी प्रतिक्रिया है। इसके पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर में तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो जो चुनाव लड़ने का काम किया, छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम तरीके से सीटी देखी गई है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के माध्यम से इस विधानसभा चुनाव के अंदर में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जो चुनाव उन्होंने लड़ा है उसके माध्यम से भी, उसके पहले भी कई ऐसे मर्तबा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है। कहने के उसके ऊपर में संकोच बताया है कि ईवीएम को लेकर ये हम नहीं कर सकते, कह सकते कि पारदर्शिता के आधार पर चुनाव हो रहा है। ये तमाम बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल इनके माध्यम से कही गई है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, जिन्होंने 2013 के अंदर में एक पिटिशन जारी की थी, वो पिटिशन से भी आपको मैं रूबरू करवाऊंगा, जो कि 2013 के अंदर में जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है इनका जो इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम जो बड़ी बातें कही गई थी, जो कि उस समय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पी सातशिवम, इनके माध्यम से जो पिटिशन जारी की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम पूरी तरीके से उसके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता, तमाम बड़ी बातें यहाँ पर ये की गई थी। बहुत बड़ा हमारे पास में दस्तावेज उपलब्ध है, वो तमाम दस्तावेज आपको स्क्रीन के ऊपर में भी हम दिखा देंगे कि किस तरीके से पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दायर यहाँ पर की गई, याचिका यहाँ पर दी गई थी। इसके साथ साथ आप कल्पना करिए, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर बड़े पैमाने पर विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग इसके ऊपर में बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसके ऊपर में कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं नजर आ रहा है। इतना ही नहीं तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के द्वारा भी लगातार ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई है। समय समय पर उनका ये मानना है कि ईवीएम को लेकर तमाम जो लोगों का, मतदाताओं का जो विश्वास है समय के मुताबिक वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अब ईवीएम के अंदर में बड़ा परिवर्तन लाकर कहने की बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। बता दे कि पूरे दुनिया के अंदर में ऐसे कई विकसित देश है जो कहने के अपने आप में एक बड़ी शख्सियत मानते हैं, कहने के अपना एक रुतबा रखते हैं, उसके बावजूद भी इतने हाईटेक होने के बाद में तमाम उन देशों के अंदर में आज भी ईवीएम को सरे से नकार कर बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर में तमाम तरीके से ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अगर इतिहास के अंदर में देखा जाए तो ईवीएम को इस देश के अंदर में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने शुरुआती दौर पर ईवीएम को लाया और फिर उसके बाद में ईवीएम का सबसे पहला अगर विरोध किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप कल्पना करिए, समझिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया है, लगातार ईवीएम का विरोध विपक्ष के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ईवीएम को लेकर बड़ी तब्दीली को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई रवैया बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और कहने की चुनाव आयोग भी इसके ऊपर में अपनी प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपको देखिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने लगातार ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है, और इतना ही नहीं तो अभी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो जनसभा है, बहन मायावती ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहने के राजस्थान और तेलंगाना के अंदर में किए चारों प्रदेशों के तमाम चुनावी जनसभाओं के अंदर में कई बार ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है कुंवर दानिश अली, इनके माध्यम से भी कई मरतबा ईवीएम को लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई है, इसका बड़ा विरोध भी किया गया है। बसपा के ईवीएम के जगह मतपत्र से मतदान का प्रावधान है, गैर सरकारी विधेयक लोकसभा के अंदर पेश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के माध्यम से किया गया है। इतना ही नहीं तो इस तरीके से
जो शिकायत ईवीएम को लेकर की गई थी चुनाव आयोग को, उसके बावजूद भी इसके ऊपर में सही मायने में ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है वहां पर जो बड़ी हार कहने की, उसके बाद में ईवीएम को लेकर बड़ी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर में सवाल उठाए गए, और इसीलिए बसपा ने जो सवाल उठाए थे उसको सिरे से खारिज करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। और आयोग ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को जो भेजे गए जवाब है वो दो टूक है, और इसके साथ साथ उनकी जो शिकायत है इसमें कोई दम नहीं है, और इसीलिए वैज्ञानिक आधार पर ये सभी सबूत काबिल नहीं है। तमाम बड़ी बातें चुनाव आयोग के माध्यम से की गई थी। और इसके साथ साथ सदन के अंदर में बड़ी आवाज उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ईवीएम को लेकर किया गया, और बसपा के माध्यम से तमाम समय समय पर ईवीएम को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जाते हैं। अब आप कल्पना करिए कि जो इस देश के अंदर में बड़ा विपक्ष है वो विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर जब कटघरे के अंदर में खड़ा किया जा रहा है, तमाम तरीके से उसके ऊपर में सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार विधानसभा के चुनाव हो फिर लोकसभा के चुनाव हो ये हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में जो ईवीएम है इसकी तब्दीली कहने के देखने को नहीं मिल रही है। शुरुआती दौर पर ईवीएम को लेकर जब सवाल निशान खड़े किए जाते हैं तब उसमें वीवीपैट जैसी एक नई तकनीक लाई जाती है, लेकिन वीवीपैट को लेकर भी आप कल्पना करिए कि जिस तरीके से जो चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो पर्चियां निकलती है ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठा गया कि ईवीएम पर जो बटन दबाई जाती है लेकिन उसके बाद में जो पर्ची निकलती है उस पर्ची के ऊपर में जब सवाल उठाए गए तो उसके ऊपर में जो जवाब कहने की चुनाव आयोग ने दिया है वो चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि एक जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के अंदर में जो तमाम तीन से चार बूथ होते हैं वो तीन से चार बूथ के अंदर में जो पर्चिया है वो जिसे वोट करने के बाद में उसी प्रकार की पर्ची निकलती आती है, तो उसके बाद में तमाम इस बात को हम समझ लेते हैं कि उस पूरी की पूरी विधानसभा के अंदर में जो ईवीएम मशीन है वो सही मायने में सही तरीके से काम कर रही था। आप खुद कल्पना करिए चार से पांच मशीन अगर सही तरीके से काम करती है तो इसका ये अंदाजा क्या लगाया जा सकता है तमाम विधानसभा के चुनाव के अंदर में ईवीएम मशीनें सही तरीके से काम करती है, ये भी एक बड़ा संशय का विषय है। और ये पूरी तरीके से इसकी गलती भी कहने के चुनाव आयोग ने इसकी मानी है, इसके बावजूद भी बड़ी तब्दीली ईवीएम को लेकर होते हुए नहीं नजर आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर मैं शुरुआती दौर पर एक बात कही थी उनके माध्यम से, जिस तरीके से एक जो किताब है वो किताब भी उनके तरफ से जारी की गई थी कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से जो बातें चल रही है उसके ऊपर में एक बड़ी किताब सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से जो जारी की गई थी उसको मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किताब है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेम्परेबल, यहाँ पर ये एक बड़ी किताब जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से और एडिटर जो है उनके तरफ से के एस कल्याण रमन्ना, ये जो है इनके माध्यम से ये किताब जारी की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेम्परेबल है। तो आप खुद कल्पना करिए कि शुरुआती दौर पर किस तरीके से बीजेपी ने इसका विरोध किया, शुरुआत उसके पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लाया, अब समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी इसका सत्ता का हस्तांतरण कर रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार ईवीएम पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं उसके बावजूद भी इसमें तब्दीली नहीं हो रही। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम का के बदला था ईवीएम को बदल कर जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता तब तक फियर एंड फेयर चुनाव इस देश के अंदर में होंगे ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। तो जिस तरीके से तमाम बड़ी बातें ईवीएम को लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, इसके बावजूद में भी तमाम चीजों के अंदर में तब्दीली नहीं देखने को मिल रही, तो इस पूरे मसले को लेकर मुद्दे को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।